Okay, class 10th, in the last video, we have discussed exercise 4. Okay, now we are going to discuss arithmetic progression, AP. What is the arithmetic progression? Actually, a series is contained. मतलब आपको क्या दिया हुआ है? एक series दी हुई है. Of the numbers. ठीक है? उस number series में जब equal gap होते हैं, ठीक है? Gap क्या हो? Equal हो. या तो वो sum हो रही हो, या वो add हो रही हो. नंबर सीरीज जो आपको गिवन है या तो वो ऐड हो रही हो या वो सब्ट्रैक्ट हो रही हो. तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रही हो उस सीरीज में आप नंबर को राइट करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेस करना, ठीक है, नंबर्स का आगे इंक्रीज करना. और अर्थमेटिक मीन्स अर्थमेटिक वे में, ठीक है. तो इसे टू टाइप से लिख सकते हैं, एक एपी के टर्म पे और जीपी के टर्म पे. जीपी मतलब जहां पे आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो. अब देखो यहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज किस तरह से राइट करते हैं? एपी. तो ये क्या है? A1, A2, A3 और An. यहां तक दिया हुआ है, ठीक है. कोई एक सीरीज है जो A से 1 से स्टार्ट होती है, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? N तक जाती है, ठीक है. अब यहां पर A1 से A2 क्या है? ओके, सो एपी इज गॉट A1, A2, A3 अप टू द AN. A1 इज द फर्स्ट टर्म. A1 इज फर्स्ट टर्म. A2 इज सेकंड टर्म. A2 इज सेकंड टर्म. A3 is third term. And AN is nth term. जो यहां पे नंबर के लिए वो टर्म होती है, ठीक है. अब A1 अगर आपको दिया हुआ है और A2 दिया हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? तो देखो यहां पर सेम गैप होते हैं, तो यहां से क्या होता है? डी क्या है? ये डिफरेंस होता है, ठीक है. तो डी क्या होता है? यहां से A2 माइनस A1. और क्या कह सकते हैं इसे? An माइनस 1. मतलब सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिल जाएगा? उनके बीच का डिफरेंस. तो इस सीरीज में जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है? डी, डिफरेंस फाइंड करना, फर्स्ट टर्म और उसकी लास्ट टर्म फाइंड करना, ठीक है. तो ये क्या हो गया? अब देखो An के लिए एक फॉर्मूला होता है. क्या फॉर्मूला होता है? इसे TN या फिर हम क्या कहते हैं? AN कहते हैं. TN या फिर क्या कहते हैं? AN कहते हैं. इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है. यहां पर ए क्या है? फर्स्ट टर्म. ए क्या है? फर्स्ट टर्म. डी क्या है? यहां से डिफरेंस, A2 माइनस A1, ठीक है, डिफरेंस. और एन क्या है यहां पर? नंबर ऑफ टर्म्स. जितने टर्म हमें चलनी है उस टर्म की बात कर रहे हैं, उसका लास्ट क्या होगा? तो ये एक सीरीज का फॉर्मूला हो गया. यहां से हम लास्ट फाइंड कर रहे हैं उस सीरीज का लास्ट स्टेप, तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं. अब इसमें एक और फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है? सम का फॉर्मूला आता है. अगर मुझे सम फाइंड करना है इन टर्म्स का, क्या फाइंड करना है? सम, सम ऑफ एन टर्म्स. सो यहां से क्या हो जाएगा? Sn. क्या होता है? Sn. और उसके बाद इन टर्म्स को हम क्या करते हैं? सम के टर्म में लिख देते हैं. किस में लिख देते हैं? सम के टर्म में, ठीक है. देखो ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ
समझो। या फिर क्या होता है, इसी टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस ए एन कह सकते हो या फिर टी एन कह सकते हो, ठीक है, इन टू में एन बाई टू, ये होता है। तो दिस दीज आर द फॉर्मूलाज बाय विच वी कैन फाइंड द सम सम ऑफ द टर्म्स। अब देखो, अब आप कहेंगे ये कैसे आता है, इस फॉर्मूले से ये कैसे आता है, तो देखो ये क्या है, n बाई टू, टू ए को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, यहां से n बाई टू ए प्लस, ये वाली टर्म क्या है, ये वाली टर्म है, ठीक है, और इसे मैंने क्या कहा था, ए एन कहा था, ये इसका प्रूफ है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ एन टर्म्स हो गया। आप देखो इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो आपको सीरीज भी हुई है, टू फाइव एट इलेवन, ठीक है, ये सीरीज भी हुई है, और आपसे कह दिया जाए फिफ्टींथ टर्म, ठीक है, और इसका सम फाइंड करो, एंड फाइंड सम, और सम भी फाइंड करो, मैं दोनों क्वेश्चन को एक साथ करा रहा हूं। अब पहले देखो, टू से फाइव, फाइव से एट, एट से इलेवन, सभी में सेम डिफरेंस है, इसमें भी थ्री ऐड हो रहा है, इसमें थ्री ऐड हो रहा है, थ्री ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ए क्या हो गया, टू हो गया, ठीक है, डी क्या हो गया, ए टू माइनस ए वन, ये कितना हो गया, यहां से फाइव माइनस टू थ्री, ओके, एंड एन, एन क्या हो गया, यहां से कितने टर्म थे, फिफ्टीन, तो टर्म कितने हुए, फिफ्टीन हुए, कितने टर्म हुए, फिफ्टीन टर्म, तो ए डी एन ये थ्री टर्म चाहिए हमें। अब ए एन लास्ट स्टेप है क्या, हमें ये नहीं पता, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या, बी, तो यहां से ए, ए की वैल्यू क्या हो गई, टू प्लस एन, एन क्या है, फिफ्टीन माइनस वन, और बी, डी कितना हो गया, यहां से देखो थ्री, तो यहां से टू प्लस फोर्टीन इंटू थ्री, फोर्टीन इंटू थ्री करोगे ये कितना आ जाएगा, टू प्लस फोर्टी टू, फोर्टी फोर आ गया, क्या आ गया, फोर्टी फोर, ठीक है। तो ये क्या है, यहां पर ए फिफ्टीन है, क्या है, ए फिफ्टीन, ओके। अब सम चाहिए, सम इसे एस एन से इग्नोर करते हैं, तो ये एस एन क्या हो गया, यहां पर एन बाई टू ए प्लस ए एन, ये होगा, तो एन बाई टू, एन बाई टू की वैल्यू क्या हो गई, एन कितना था, फिफ्टीन अपॉन टू, ए प्लस ए कितना है, टू, एन कितना आया था, फोर्टी फोर, वैल्यू पुट कर दिया आपने, इसे सॉल्व करोगे तो फिफ्टीन अपॉन टू मल्टीप्लाई विथ फोर्टी सिक्स, इसे सॉल्व करेंगे ट्वेंटी थ्री, थ्री हंड्रेड फिफ्टी फाइव, दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और लगा के मैं बता देता हूं आपको, एसएन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या आता है, डी, यही होता है फॉर्मूला। तो यहां पर इस फॉर्मूले को पुट कर दो, एन बाई टू, एन बाई टू मीन फिफ्टीन अपॉन टू, टू ए टू इंटू टू प्लस एन माइनस वन मीन्स फोर्टीन इंटू डी थ्री, यहां से कितना हो गया, फिफ्टीन अपॉन टू, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, टू टू या फोर, और फोर्टी टू, फोर्टी फोर्टी टू और फोर फोर्टी सिक्स, देखो सेम है, यहां भी फोर्टी सिक्स फिफ्टीन बाई टू, यहां भी फोर्टी सिक्स फिफ्टीन बाई टू, आंसर क्या आएगा, थ्री फोर फाइव, तो सेम आंसर आता है, कैसे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसकी कैलकुलेशन हम तब करते हैं जब हमें ए पता हो और एन पता हो, लेकिन लास्ट टर्म नहीं पता है और वो हमें फाइंड भी नहीं करनी है, तो डायरेक्ट हम इसका यूज करेंगे।
ए का और एन के उसके, ठीक है। लेकिन अगर हमें लास्ट टर्म दी हुई है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का यूज करेंगे और सम फाइंड कर लेंगे। ओके, लव लेट्स सी द एक्सरसाइज वन। फाइव पॉइंट वन देखो, ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है आपको, फाइंड द फर्स्ट टर्म ए, ए फाइंड करनी है एंड द कॉमन डिफरेंस डी फॉर द एपी। अब आपको एपी क्या दी हुई है, फर्स्ट देखो सिक्स नाइन ट्वेल्व एंड फिफ्टीन। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, यहां से जो फर्स्ट नंबर होगा वही तो फर्स्ट टर्म होगी। फर्स्ट नंबर सीरीज का क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद पूछा था उसने डिफरेंस, ठीक है, क्या पूछा था, कॉमन डिफरेंस पूछा था। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, यहां से डी, ये क्या होता है सेकेंड टर्म ए टू माइनस ए वन, इसे क्या कहते हैं नाइन माइनस सिक्स और ये आ गया थ्री। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, थ्री। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। ओके, अब जैसे सेकंड वाला दिया हुआ है तो सेकंड वाले में माइनस सेवन माइनस नाइन, तो यहां से ए क्या हो गया माइनस सेवन फर्स्ट टर्म और डी क्या हो गया ए टू माइनस ए वन। तो यहां से ए टू की वैल्यू क्या है माइनस नाइन और माइनस माइनस में सेवन, ए वन क्या है माइनस सेवन। देखो यहाँ पे माइनस किसका है, ये वाले फॉर्मूले का, और ए वन की वैल्यू क्या है माइनस सेवन, तो इसलिए मैंने क्या लिख लिया ब्रैकेट में। इसे सॉल्व करोगे माइनस नाइन इधर कर दे माइनस नाइन और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सेवन, तो आंसर क्या आएगा माइनस टू। तो डिफरेंस क्या आ गया माइनस टू, मीन्स हर एक स्टेप में टू क्या किया गया है सब्ट्रैक्ट किया गया है। ओके, थर्ड देखो थ्री अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू माइनस वन अपॉइंट टू माइनस थ्री अपॉइंट टू एक सीरीज दी हुई है। अच्छा, इसमें अलग अलग डिफरेंस ऑफ टाइम करना पड़ेगा। ए वन क्या हो गया थ्री बाई टू, ए टू क्या है यहां पर वन बाई टू, ए थ्री क्या है यहां पर माइनस वन बाई टू और ए फोर क्या है यहां पर माइनस थ्री बाई टू। अब देखो यहां से अगर मैं ए टू माइनस ए वन फाइंड करूं तो ये डी वन है, ठीक है। यहां पर थोड़ा डिफरेंस अलग दिख रहा है इसलिए मुझे अलग फाइंड करना पड़ेगा। क्या हो गया ये वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू, यहां से टू एलसीएम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का टू, तो आंसर आया माइनस वन। इसी तरह से डी टू, डी टू क्या हो गया ए थ्री माइनस ए टू दैट इज माइनस ए टू और माइनस ए टू, तो माइनस का वन, ठीक है। डी थ्री सभी सेम आ रहे हैं, देखो यहां से ए थ्री माइनस ए टू हो गया और ए फोर माइनस ए थ्री, ये कितना हो गया माइनस थ्री बाई टू और माइनस ए बाई टू होगा वन बाई टू। तो यहां से क्या हो जाएगा ये माइनस थ्री बाई टू प्लस का वन बाई टू, तो आंसर आया माइनस का वन। तो ये सभी में डिफरेंस कॉमन है ना, कॉमन डिफरेंस है, तो यहां पे कॉमन डी क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस इज माइनस वन, डिफरेंस इज माइनस वन। तो क्वेश्चन नंबर वन कर सकते हो आप। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर टू देखो, ए फर्स्ट टर्म ए, अगर फर्स्ट टर्म ए है कॉमन डिफरेंस डी है तो हमें फोर टर्म्स फाइंड करनी है। कितने टर्म फाइंड करनी है, फोर टर्म। देखो ए क्या है यूनिट फर्स्ट में माइनस वन और डी क्या गिवन है हाफ,
ठीक है। तो यहाँ से देखो ये माइनस वन और ये हाफ, तो यहाँ से ए वन क्या दिया हुआ है, ए टू क्या होगा, ए वन प्लस बी, तो यहाँ से माइनस वन प्लस हाफ। जब आप वन में से हाफ सब्ट्रैक्ट करते हो तो हाफ आता है, तो ये भी वही है, तो यहाँ पे हाफ आएगा लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू ग्रेटर है। ओके, ए थ्री, ए थ्री फाइंड करोगे तो क्या आएगा, ए टू प्लस बी, ए टू क्या है यहाँ पर, माइनस हाफ प्लस हाफ, तो ये तो जीरो आ गया। और ए फोर, ए थ्री प्लस बी, और ए थ्री क्या है यहाँ पर, जीरो प्लस हाफ, क्या आ गया यहाँ से, हाफ। ए फाइव, अच्छा ओनली फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करनी थी, तो फर्स्ट फोर टर्म हो गई, फर्स्ट फोर टर्म हो गई, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ठीक है। और फाइव फाइंड करना है तो इसी तरह आप फाइंड कर सकते हो, अगर आपको करना है तो हाफ प्लस हाफ वन, तो फर्स्ट फोर टर्म क्या हो जाएंगी यहां से, देखो फर्स्ट फोर टर्म में क्या आया, माइनस वन माइनस हाफ जीरो हाफ वन, ये ठीक है, तो वन तो फिफ्थ टर्म है तो ये मत लिखना, तो फर्स्ट फोर टर्म क्या हो गई, ये टर्म हो गई। इसी तरह से आप सेकंड वाला कर लोगे, सेकंड वाले में वन अपॉइंट थ्री और फोर अपॉइंट थ्री है, ये हो जाएगा। मैं थर्ड वाला बताता हूं, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है आपको, एज प्लस टू पॉइंट सिक्स और डी प्लस टू वन पॉइंट वन, सो ए वन है ये, तो ए टू क्या हो जाएगा, ए वन प्लस डी, तो यहां से 0.6 प्लस 1.1 ऐड करोगे इसे तो 1.7, ए थ्री ए टू प्लस डी, तो यहां से ये कितना हो गया 1.7 प्लस ए फोर, ए फोर क्या आ गया 2.8 प्लस 1.1, ऑल टर्म्स हो गई, सो फर्स्ट फोर टर्म्स, ओके दीज आर द फर्स्ट फोर टर्म्स। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री इज चेक द फॉलोइंग, इसी तरह से करना है मेरे क्वेश्चन, ओके, चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ टर्म्स फॉर एपी, एपी के लिए अभी चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, इफ एनी ऑफ द फॉर्म एन एपी, अगर इनमें से कोई एपी बना रहा है, देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट फोर टर्म, और हमें क्या करना है, नेक्स्ट फोर टर्म फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, फर्स्ट दिया हुआ है आपको क्या, टू फाइव बाई टू थ्री सेवन बाई टू, ठीक है। अब देखो हमें ए वन दिया है टू, ए टू दिया है फाइव बाई टू, ए थ्री दिया हुआ है थ्री, और ए फोर दिया हुआ है सेवन अपॉन, ठीक है। तो यहां से बी वन क्या हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन, फाइव बाई टू माइनस टू, तो ये कितना हो गया वन बाई टू, b
बी टू क्या होता है, ए थ्री माइनस ए टू, थ्री माइनस फाइव बाई टू, फिर ए बी वन बाई टू। बी थ्री क्या होता है, ए फोर माइनस ए बाई टू, ठीक है ए थ्री। तो यहां से सेवन बाई टू माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा वन बाई टू। सभी में देखो वन बाई टू आ रहा है, डिफरेंस इज कॉमन। Difference is common in all. So b equals to half. तो b equals to क्या दिया हुआ है, half. Hence this is n a b. अगर ये ए पी में होगी तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो नेक्स्ट टर्म क्या फाइंड करनी है, ए फाइव, ए फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए फोर प्लस बी। ए फोर की वैल्यू क्या है, अगर देखो सेवन अपॉन टू और डी की वैल्यू हाफ, तो ये हो जाएगा कितना, एट बाई टू, तो इसे कहते हैं फोर। ए सिक्स, ए फाइव प्लस बी, ये क्या हो गया फोर प्लस हाफ, उसे कहते हैं नाइन बाई टू। ए सेवन, ये हो गया ए सिक्स प्लस डी, सॉरी फाइव, हाँ ए सिक्स प्लस डी, तो ये हो गया नाइन बाई टू प्लस हाफ, तो ये हो गया टेन बाई टू, दैट इज फाइव। एंड नेक्स्ट एट, ए एट ए सेवन प्लस डी, तो ये हो गया क्या फाइव प्लस हाफ, इलेवन बाई टू। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड फर्स्ट। इसी तरह से हमें नेक्स्ट वाले फाइंड करने हैं, नेक्स्ट वाले चेक करने हैं। ओके, आप नेक्स्ट वाले को चेक करोगे और उन्हें सॉल्व करोगे। अब जैसे आपको दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है, ए ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर, ये दिया हुआ है। यहां से ए वन क्या हो गया, ए, ए टू क्या हो गया, ए स्क्वायर, ए थ्री क्या हो गया, ए क्यूब, ए फोर क्या हो गया, ए टू द पावर फोर, ये हो गए। तो इसमें कोई ए पी हो सकती है क्या, ए पी तो नहीं, इसमें जी पी जरूर है। देखो यहां से डी वन क्या हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस ए, अब ए कॉमन आएगा ए माइनस वन, डिफरेंस है। तो ऐसा कोई डिफरेंस होता है क्या, कभी ए स्क्वायर में से ए सबट्रैक्ट हो सकता है क्या, नहीं होगा ना। तो यहां से डिफरेंस पता चल रहा है आपको, नहीं पता चल रहा। आप देखो इसी तरह से बी टू, ए थ्री माइनस ए टू क्या बन गया, ये ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ए माइनस वन, कुछ तो कॉमन आ रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या इक्वल है क्या, यहां पर ए है यहां पर ए स्क्वायर है, तो डिफरेंस कॉमन नहीं है। इसी तरह ए थ्री, ए सॉरी डी थ्री, ए फोर माइनस ए थ्री, तो ए फोर क्या हो गया, ए फोर माइनस ए क्यू, तो ये हो गया ए क्यू ए माइनस वन। क्या डिफरेंस कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, दे आर डिफरेंस इज नॉट कॉमन, difference